ऐसे आप लोग ठीक हैं? सब खैरियत से होंगे। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होने वाला है और सुना यह है कि शेड्यूल तय है और पाकिस्तान भारत का जो मुकाबला है वो दम्बोला में होगा, यानी जुमे को उम्मीद है कि इस शेड्यूल को ऐलान कर दिया जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं जय शाह, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा वो नहीं कर रहे, या तो ये मिसकम्युनिकेशन है या फिर जानबूझकर गलत खबर फैलाई गई है। इधर भारतीय बोर्ड के खजानची और आईपीएल के चेयरमैन ने भी भारतीय मीडिया को बताया कि एशिया कप का शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है, बाज़ाब्ता ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मंगल की शब जक्का अशरफ और जय शाह के दरमियान मुलाकात की खबरें सामने आई थी। जक्का अशरफ ने जय शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। ये खबरें चली। ज़राए के मुताबिक एशिया कप का शेड्यूल जुमे को मंजर आम पर आने का इम्कान है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत श्रीलंका के शहर दम्बोला में मध्य मुकाबले होंगे। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। एसीसी पाकिस्तान की जानिब से पेश करता हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलने के जो सूरत हाल है उस पर रजामंद हो गया था और पाकिस्तान को मिलेंगे, उसमें से चंद मैचेस पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और बाकी एशिया कप होगा श्रीलंका में। बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे और 4 मैचेस होंगे पाकिस्तान में। पाक भारत टीमें अगर फाइनल में पहुंचती हैं तो ये भी श्रीलंका में ही होगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दौरा के हवाले से तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप देखिए कब ऐलान होता है, लेकिन ये मैंने आपको पेश ये इतला दे दी कि एशिया कप का शेड्यूल का ऐलान होने वाला है और शेड्यूल का सूरत हाल ये है। तो आप रेड को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आता तो खुदा हाफ़िज़।